खबरों में आगे बढ़ेंगे तो लखनऊ से खबर, काशी विश्वनाथ मंदिर बनाम ज्ञानवापी मस्जिद केस का मामला जो सामने आया है उसमें एक बीघे 9 बीघा जमीन का पुरातत्व एक सर्वेक्षण होगा और ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में फैसला आया है। तो ज्ञानवापी परिसर का रडार तकनीकी से होगा पुरातत्वातिक सर्वेक्षण। तो जज ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद सर्वेक्षण की मंजूरी दी है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफरयाब जिलानी का बयान भी सामने आया है। सिविल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। जफरयाब जिलानी का यह बयान सामने आया है। देखिए जैसा आपने बताया कि उन्होंने जज साहब ने यह ऑर्डर कर दिया है एएसआई को कि वो वहाँ की खुदाई करे और खुदाई करके ये बताए कि वहाँ मंदिर था कि नहीं था, तो ये फैसला कतई उस 1991 के एक्ट के ख़िलाफ़ है जिस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट बहुत तफसील से गौर कर चुका है बाबरी मस्जिद के मुकदमे में। और ये बात उस एक्ट में वाज़े तौर पर लिखी है कि बाबरी मस्जिद के अलावा बाकी किसी मस्जिद या इबादतगाह की 15 अगस्त 1947 की हैसियत को तब्दील नहीं किया जा सकता। लिहाजा इसका सवाल क्या पैदा होता है कि वो ये तय करेंगे एसआई वाले के पहले मंदिर था कि नहीं था। 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी और इसको अदालत भी मान चुकी है और आज नहीं बल्कि पहले भी मान चुकी है। 1945 वगैरह में भी फैसले हाईकोर्ट के आ चुके हैं, उस वक्त ही मस्जिद मानी आ चुकी है। तो जज साहब को ये अख्तियार नहीं था कि 1991 के एक्ट के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें। अगर उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर दिया है तो यकीनन उसको चैलेंज किया जाएगा और मैं समझता हूँ कि वो ऑर्डर उनका गलत है और कोई उन्हें अख्तियार नहीं है कि माजी के बारे में जो 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी उसके बारे में वो खुदाई करवाने का, ये बिल्कुल गलत। आकाश यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। आकाश, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है अब जिलानी साहब ने कह दिया कि आगे वो अप्लाई करेंगे और अपील करेंगे, ऐसे में क्या कुछ खास सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, हिंदू पक्ष के लिए की बात की जाए तो हिंदू पक्ष के लिए बेहद ही सुखद संदेश था। लगातार हिंदू पक्ष की मांग की जा रही थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे और उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग द्वारा ये सर्वे किया जाए। सर्वे में साफ आ जाएगा कि मंदिर मस्जिद के परिसर में है या नहीं। इस तौर पे कल पाटना कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, फैसला भी साफ सुनाया गया, इसमें हिंदू पक्ष के लोग काफी खुशी जाहिर किए। हालांकि 5 टीम बनाई गई है जो विज्ञान और आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ज्ञानी हो, ये टीम बनाकर ये मस्जिद परिसर में जाएंगे और निश्चित तौर पे वो साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। हालांकि हिंदू पक्ष के द्वारा बताया गया था कि 100 फीट का ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे है। अब ये सर्वे में जांच करके सामने आएगा कि क्या ये सत्य साफ है या केवल दावे किया जा सकता है। आकाश, ये भी जानेंगे जिस तरीके से अब अयोध्या के बाद ये वाराणसी जिले में काशी विश्वनाथ परिसर में जो ये मस्जिद को लेकर अब ये विवाद और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खास तौर पर हम बात कर रहे हैं जमीन को लेकर, तो अयोध्या के बाद अब ये मामला विवादित होता जा रहा है। ऐसे में अगर हम हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की तरफ से बात कर ले तो कैसा समीकरण? जब अयोध्या का फैसला आया था लोगों में एक संदेश था कि अयोध्या एक झांकी है, अभी मथुरा और काशी है, पर निश्चित तौर पर काशी का वो फैसला आ गया और इस फैसले पे काशीवासी बिल्कुल खुश है क्योंकि न्यायालय ने जो फैसला सुनाया बिल्कुल अहम फैसला कल काशीवासियों के लिए रहा। निश्चित तौर पर एसआई की टीम जाएगी और ये टीम 5 लोगों की रहेगी और ये निश्चित तौर पर साक्ष्य इकट्ठा होगा। ये साक्ष्य में जो भी सामने आएगा ये न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा और न्यायालय अपना रिपोर्ट अब खुद तय करेगी। ठीक है, बने रहिए आकाश। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। एसके, मंदिर जो याचिका करता है, मंदिर के लिए 250 साल पुराना ये मंदिर के सबूत बताए गए हैं याचिकाकर्ता की तरफ से, वहीं मस्जिद को लेकर भी कई बातें सामने आई। ऐसे में अगर हम देखें, क्योंकि अयोध्या के बाद अब ये जब मामला ऐसा सामने आया है तो काफी ज्यादा विवाद और ज्यादा बढ़ेगा। गला दुटो सुना मर
और साथ ही वो सदस्य अल्पसंख्यक के रहेंगे और साथ ही साथ में एक ऑब्जर्वर जो कि एएसआई की तरफ से रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा विवाद है, इस विवाद को लेकर कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जिस तरीके से याची ने दावा किया था कि 1 बीघा 9 बिस्वा जमीन, जो कि अगर हम रकबा नंबर की बात करें तो 1930, 31 और 1932, ये 3 रकबा नंबर है जिसकी 1 बीघा 9 बिस्वा जमीन है जो कि मंदिर परिसर की है, जिसको लेकर दावा किया गया, जिस भूमि पर पूरा विवाद है, याची ने दावा किया था कि वहां नए मंदिर परिसर का निर्माण और साथ ही साथ में पूजा की अनुमति दी जाए क्योंकि वहां ज्ञानवापी मस्जिद भी है। तो कहीं ना कहीं मामला निश्चित तौर पर विवादित है। हालांकि कोर्ट ने पूरे मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें एएसआई ये सर्वे करेगा कि जो याची ने दावा किया है उन दावों में कितनी सच्चाई है, और जिस तरीके से यह दावा किया गया कि 2 मंजिला मंदिर भवन था जिसको कहीं ना कहीं उस दौरान क्षति पहुंचाई गई, और उसके अलावा तहखाने में भी मंदिर था, 100 फीट गहरा भगवान शिव का शिवलिंग है वहां पर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे दावे याची की तरफ से किए गए। हालांकि याची के दावे कितनी सच्चाई है इसको देखने के लिए कोर्ट ने अब एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। इस कमेटी में एएसआई जो होगा उसका ऑब्जर्वर होगा, उसकी निगरानी में पूरी ये चीजें देखी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम अयोध्या के प्रकरण को देखें तो अयोध्या में भी कोर्ट ने यही आदेश दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि एएसआई उसमें खुदाई कराएगी और जो दावा जो हिंदू पक्ष की तरफ से राम मंदिर में किया गया था उन दावों की सच्चाई के लिए खुदाई में देखा जाएगा क्या वास्तव में वो अवशेष जो वर्तमान में विवादित ढांचा है उसके नीचे है या नहीं, और अवशेष मिले भी थे तो कहीं ना कहीं अब उसी तरीके की स्थिति अगर हम देखें तो विश्वनाथ में ज्ञानवापी की हुई है। और इस ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं जब ये एएसआई पूरा सर्वे करेगा, कमेटी उसकी निगरानी करेगी, एएसआई का ऑब्जर्वर स्तर का अधिकारी इन पूरी चीजों को देखता रहेगा और उसकी रिपोर्ट कोर्ट को भी उपलब्ध कराएगा, तो कहीं ना कहीं अगर वास्तव में जो याची दावा किया है अगर उन दावों में सच्चाई है तो निश्चित है कोर्ट उस पर अपना फैसला देगा। जी एसके, सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो मंजूरी दे दी गई है, क्या लग रहा है कब से शुरू होगा? हाँ बिल्कुल, चूंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एक कमेटी गठित की जाए और कमेटी में अल्पसंख्यक के भी 2 सदस्य रखे जाए, एएसआई का ऑब्जर्वर रखा जाए, तो यह प्रक्रिया चूंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो यह प्रक्रिया जिला प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। हालांकि इसमें एएसआई की अनुमति भी जरूरी होगी, एएसआई का ही ऑब्जर्वर रहेगा, तो उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद कहीं ना कहीं उन चीजों को पूरा करने की कोशिश होगी जो कि कोर्ट के दिशा निर्देश हैं। कोर्ट ने जिस तरीके से याची ने दावा किया है, हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अपनी बात रखी गई है, अब देखना यह है कि इन सारे दावों के बाद कितनी सच्चाई होती है और सर्वे के बाद क्या चीजें निकलकर आती है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर कोर्ट निर्णय देगा, तो यह जरूर महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ, आकाश के पास वापस लौटेंगे। आकाश, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, 250 साल पहले मंदिर का दावा किया जा रहा है याचिकाकर्ता की तरफ से, और वहीं अगर हम अन्य पक्ष की बात कर ले तो उधर से ये कहा जा रहा है कि मस्जिद भी थी और दीवार मंदिर के जो दीवार थी उसके पीछे मस्जिद होने का जो दावा किया जा रहा है, ऐसे में ये चीजें फिर से दोहराती हुई नजर आ रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में जो मंदिर को लेकर विवाद उठा और अब ये फिर से विवाद उठ रहा है, ऐसे में तस्वीरें और ज्यादा बिगड़ सकती। बिल्कुल, आपको बता दें कि एक पार्टी है काशी के हिंदू पक्ष के लोग बराबर मुस्लिम पक्ष से कह रहे थे कि ये न्यायालय में न जाके यदि गंगा जमुनी तहजीब का एक नतीजा बनारस पेश करनी हो तो आप लोग आपस में ये प्रतिवाद खत्म कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय में जाना पड़ा, न्यायालय में ये निश्चित तौर पर एक अहम फैसला लिया गया। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि जो वहां पे नंदी की प्रतिमा है उनका मुख्य ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, और हिंदू पक्ष के लोगों का बार बार यही कहना है ज्ञान जहां नंदी का सिर जाता है उसी के ठीक सामने 100 फीट का ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी कि साफ साफ कहा जा सकता है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का स्थान वहीं पे है, ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर बनाई गई है। अब देखना यह होगा कि ये जांच में ये साफ साफ सामने आता है या फिर ये जमीनी दिखावे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं जमीनी विवाद को लेकर तो मंदिर मस्जिद का ये विवाद कितना लंबा चलेगा ये तो वक्त बताएगा। बने रहिए आप हमारे साथ आकाश और एसके, और हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद कल्बे जब्बाद जुड़ चुके हैं। मौलाना कल्बे जब्बाद जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। हेलो मौलाना साहब, आपको आवाज मिल रही है? जी, मैं मौलाना खाले नशीद महली बोल रहा था। जी मौलाना जी, आपसे जानेंगे ये जो विवाद शुरू हुआ है, मंदिर का भी दावा किया जा रहा है याचिकाकर्ता की तरफ से और मस्जिद को लेकर भी बातें कही जा रही हैं, आप क्या कहेंगे?
देखिए विवाद बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। सभी लोग चाहते थे कि जो अयोध्या का मसला है वो एक बार हमेशा के लिए हल हो जाए और उसके बाद दूसरा विवाद ना पैदा हो जिससे कि दो बड़ी कौमों के दरमियान फिर कोई इख्तलाफात पैदा हो। तो अब अयोध्या का मसला हल हो गया है जी। अब उसके बाद ये नया मसला खड़ा किया जाना बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है और मंदिर और मस्जिद दोनों एकदम मिले हुए बने हुए हैं। दोनों जगह कम्युनिटी के लोग अपने अपने मजहबी एतबार से इबादत करते हैं। इस प्लेस को अपने मुल्क की एक गंगा तहजीब और कम्युनल हारमोनी के तौर पर एक इस पर सेंटर के तौर पर प्रमोट करना चाहिए, ना चाहिए कि आप फिर हम एक विवाद खड़ा करें। एक मौलाना जी आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हिंदू धर्म गुरु परमहंस दास जी भी जुड़ चुके हैं। परमहंस दास जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद। आपसे सबसे पहले ये जानेंगे ये जो विवाद अब शुरू हुआ अयोध्या के बाद, अब मंदिर का दावा भी किया जा रहा है, मस्जिद को लेकर भी बातें कही जा रही हैं, आप क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए ऐसा है कि विवाद जब न्यायपालिका से कोई जजमेंट आता है तो उस पर विवाद की बात करने वाले वही लोग हैं जिनको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है और जिसको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, वो सिर्फ एक सियासी हो सकते हैं, एक एंटी नेशनल सोच रखने वाले हो सकते हैं, वो भारतीय नागरिक कहलाने के लायक नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो चाहे मुस्लिम पक्ष का हो। तो मेरा मानना है कि न्यायालय से जो भी जजमेंट मिले वही उसको सर्वोपरि मान करके और सबको स्वीकार कर लेना चाहिए और अगर उसमें किसी तरह से अगर न्यायपालिका से ऊपर उससे कोई बात करना चाहता है तो उसको समझा जाएगा कि आतंकवादी है, उससे कोई अंतर नहीं। जी परमहंस दास जी बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कल्बी जबाद भी जुड़े हुए हैं। मौलाना जी आपसे हम जान रहे थे, अब अगर हम इस फैसले को लेकर बात करें क्योंकि जो फैसला है उसको चुनौती देने की बात की गई है जिलानी साहब की तरफ से, आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे साथ जो महंत परमहंस दास जी उन्होंने तो साफ कहा कि फैसला जो आया उसको तो मानना चाहिए। नहीं, पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नाम कलेक्ट कर लीजिए, मेरा नाम खालिद रशीद फिरंगी महली है। और दूसरी बात यह जो बात कही गई है, इस मुल्क में हमेशा मुसलमानों के फैसले का सम्मान किया है, उसकी रिस्पेक्ट की है और अयोध्या जैसे बड़े इश्यू में जो भी फैसला आया मुसलमानों ने उसको तस्लीम किया। यही वजह है पूरे मुल्क में जर्रा बराबर भी कहीं पर भी एक भी आप इंसिडेंट नहीं बता सकते हैं जहां पर भी मुसलमानों ने पब्लिकली उसको अपोज किया हो या कोई डिमोन्स्ट्रेशन किया हो। एक बात, दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने और अभी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फाइनल जजमेंट में ये बात बहुत वाजे कही है कि जो रिलीजियस प्लेसेस और वर्शिप एक्ट है वो एज इट इज कायम रहेगा और ये और के मुताबिक जितनी भी इबादतगाहें हैं अयोध्या के अलावा के इश्यू के अलावा कोई भी नया इश्यू रेज नहीं किया जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी जजमेंट मौजूद है। तो इस वजह से अब इस कॉन्ट्रोवर्सी की कतई तौर पर कोई भी गुंजाइश नहीं है और फिर COVID-19 के दौर में जब इंसान अपनी जान के लिए लाले पड़े हुए हैं ऐसे हालात में भी अगर हम लोग लड़ाई झगड़ा करके ऐसे लड़ाई की बात तो नहीं है दुनिया को, नहीं तो इस कॉन्ट्रोवर्सी की कतई तौर पर ना कानूनी तौर पर कोई गुंजाइश है और ना सोशली तौर पर कोई गुंजाइश है और ना कोई रिलीजियसली इसकी गुंजाइश है। ठीक है मौलाना जी, लेकिन जो फैसले को चुनौती देने की बात हो रही है ये किस हद तक आपको ठीक लग रहा है? नहीं, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी फैसला आता है तो कोई भी शहरी चुनौती दे सकता है। तो आपको नहीं लगता इससे कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी? कंट्रोवर्सी वहां से बढ़ रही है कि आप आकर के हमारे घर पे कब्जा कर लें और आप चाहें कि हम खामोश बैठे रहें तो क्या ये मुनासिब है? हमारे साथ महंत परमहंस दास जी भी जुड़े हुए, इसका जवाब वो देंगे। परमहंस दास जी क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा आज तक तो कहीं नहीं हुआ कि कोई हिंदू पी के जाकर के मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दिया हो या किसी मुसलमान के घर को कब्जा कर लिया हो। यह बात तो यह एक प्रकार से गैर जिम्मेदाराना मौलाना जी का बयान आ रहा है। जो कुछ भी हिंदू पक्ष ने रखा वो जो है तो संवैधानिक दायरे में कोर्ट में रखा और कोर्ट जो कुछ मिला उसको खुशी से स्वीकार कर दिया। इसलिए यहाँ इस तरह की कोई बात बात नहीं होना चाहिए और कोर्ट का दरवाजा जो है
हर व्यक्ति के लिए खुला है, हिंदू के लिए भी खुला है, मुसलमान के लिए भी खुला है, और उसमें जाना चाहिए। कोर्ट में जाना कोई अपराध नहीं है, न्याय की मांग के लिए न्यायपालिका में जाना कोई अपराध नहीं है, और न्यायपालिका से जो न्याय मिले उस पर अभी थाना के अपराध। बिल्कुल मौलाना जी, देखिए सवाल ये उठता है कि हम लोग अपनी जनरेशन को क्या देना चाहते हैं, ये हमें तय करना होगा। जहाँ बेरोजगारी बढ़ी हुई है, अस्पतालों में जगह नहीं है कि लोगों का इलाज कराया जा सके, कोविड के केसेस अपने उरूज पर हैं, हर इंसान अपनी जान के लाले इंसानों के पड़े हुए हैं, हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं इस तरीके के इश्यूज उठा करके? क्या हम दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान एक अच्छे माहौल में ऐसे भी हालात में जिंदगी नहीं बसर कर सकते हैं, जबकि ऐसे सिर्फ चंद लोग हैं जो इस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल आप देख लें, शबरात और होली दोनों एक साथ एक दिन में एक वक्त में पड़ी, और किस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों ने और मुसलमानों ने अपने अपने त्योहार साथ में मिल करके मनाए, और कहीं जर्रा बराबर भी कोई भी नाखुशगवार वाकया नहीं पेश आया। इसलिए मेरी सबसे यही अपील है कि इस तरीके के इश्यूज अब ना रेस किए जाएं। अयोध्या का मसला हल हो चुका है, उस मसले में मुल्क ने बहुत कुछ खोया है, अब कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी करके हम लोग अपने मुल्क को और मजीद बदनाम ना करें, बल्कि मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पर ले जाने की कोशिशें करें। मौलाना जी और महंत परमहंसदास जी, आप दोनों से एक ही सवाल रहेगा, अब ये जो अपील की जाएगी, जिलानी साहब ने जो कहा है कि चुनौती देने की बात, आपको क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है, एक एक करके जवाब दीजिएगा। मौलाना जी पहले आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? हमें अदालत पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही ऑर्डर मौजूद है और पार्लियामेंट इसको पास कर चुका है कि जो वर्शिप रिलीजियस प्लेसेस और वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसके मुताबिक अब कोई भी नया मस्जिद और मंदिर का इश्यू नहीं दे दिया। ठीक, जवाब ले लेते हैं महंत परमहंस दास जी से, आपका बहुत शुक्रिया मौलाना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमहंस दास जी आप बताइए। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने ये जजमेंट दिया था कि इस्लाम का अभिन्न अंग मस्जिद नहीं है, लेकिन सनातन धर्म का अभिन्न अंग मंदिर है। मंदिर की अगर कहीं बात आती है तो उसमें आप नहीं कह सकते हैं। अगर आप न्यायपालिका पर थोड़ा सा भाव है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एसके, और आकाश आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बरेली के दौरे पर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान, और चुनाव संचालन समिति वार्ड प्रभारियों और विधायकों की बैठक भी ली। पीएम और सीएम के कार्य को लेकर उन्होंने कई अहम बातें कही, कहा पीएम और सीएम के कार्य बनेंगे जीत का आधार, कोरोना हम सब के लिए चुनौती बनता जा रहा है, बीजेपी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था सख्त रख रही है, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं जब वो बरेली दौरे पर रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बरेली दौरे पर रहे। पंचायत का चुनाव का नामांकन प्रथम चरण के पूर्ण हो चुके हैं। पार्टी की सक्रियता के लिए और जीत के लिए वार्ड प्रभारियों का बैठक आज बरेली जनपद का आंवला जनपद के यहाँ रखे गए थे, उसी के निमित्त आना हुआ। चुनाव की कैसी तैयारी चल रही, पर संपूर्ण चुनाव की समीक्षा, नीचे तक कैसे हम सब चुनाव जीते हैं, इसकी संपूर्ण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। बूथ का मैनेजमेंट, घर के घर घर संपर्क करना, और चुनाव क्यों लड़ना, पंचायत का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव होता है जो गरीबों से जुड़ा रहता है और गरीब का विकास होता है। क्या है चुनाव, पंचायत का चुनाव। और महोबा से खबर है, आपराधिक इतिहास रखने वालों के खिलाफ प्रशासन का चाबुक चल रहा है। बता दें अपराधियों के खिलाफ डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है, 21 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त किए गए, 49 लाइसेंसी शस्त्र निलंबित किए गए, 20 गुंडा एक्ट अपराधियों को जिले की सीमा से बाहर पहुंचाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, तो ये बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्ती यहां पर साफ नजर आ रही है। महोबा से इस वक्त की यह खबर, आपराधिक इतिहास रखने वालों के खिलाफ प्रशासन का चाबुक चला है।
अपराधियों के खिलाफ डीएम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 21 लाइसेंसी शस्त्र, 49 लाइसेंसी शस्त्र निलंबित किए गए हैं और 21 निरस्त किए गए हैं। 20 गुंडा एक्ट अपराधियों को जिले की सीमा से बाहर पहुंचाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और संभल से खबर, कोरोना को लेकर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डीएम और एसपी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग का तक पालन नहीं किया गया। पंचायत चुनाव के संबंध में ग्रामीणों के साथ मीटिंग की गई थी। शराब बांटने और जबरन वोट मांगने पर कार्रवाई की डीएम ने चेतावनी दी। मीटिंग में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। शहर में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को लेकर बैठक की गई थी, लेकिन ये जो मीटिंग हुई उसमें खुद डीएम की तरफ से, देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, कोई कोविड गाइडलाइन का पालन होता नजर नहीं आया। संभल से इस वक्त की एक खबर, कोरोना को लेकर प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही। डीएम और एसपी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया। डराने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सही बात बता दीजिए कि होता है, मैं बहुत डराने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सही बात है, जो होने वाला है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जरा सा भी झगड़ा होता है तो जितने का झगड़ा होगा उससे बढ़ के कार्रवाई होगी। मतलब समझ रहे हैं कि अगर छोटा मारपीट होती है तो उसमें 325 326 लिखवाया जाएगा, ज़्यादा मारपीट होती है तो उसमें हमें 307 लगाना पड़ेगा। और आप लोगों की अगर कोई गाँव में गुंडागर्दी थोड़ी बहुत करता मिलता है उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होगी। जिला बदर होगा तो अभी तो चुनाव निकल जाएगा 1 महीने में, और वो 6 महीने के लिए जिला बदर हो जाएगा, यहाँ आ नहीं पाएगा, आया तो फिर जेल जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिए। कहीं पे अगर कोई शराब बांटने का, स्पेशली इन चीज़ों के लिए कह रहे हैं कि शराब बांटने का या फिर पैसा बांटने का अगर कोई मामला आता है तो प्रत्याशी के साथ के 4 लोग और उनके परिवार के 2 लोग, इतने का हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है। प्रत्याशी के सहयोगी 4 और परिवार के 2, तो कुल मिला के 7 लोगों का ये काफिला जाएगा जेल, अगर कहीं पे कोई पैसा बांटने की या इसकी अगर कोई शिकायत आती है तो। होता है, और वहीं बाराबंकी से 4 बार सांसद और 3 बार विधायक रहे राम सागर रावत अब जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। राम सागर रावत से न्यूज वन इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता की सेवा हमेशा करना चाहते हैं वो, और समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा काम करेंगे। आज हम राजनीति की वो कड़ी आपको दिखाते हैं जो राजनीति के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के बाद पंचायत चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं। दरअसल हम बाराबंकी के पूर्व सांसद रामसागर रावत हमारे साथ हैं, जो 4 बार देश की सर्वोच्च पंचायत में बतौर सांसद रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, अब पंचायत चुनाव की में ताल ठोकने जा रहे हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर देश की सर्वोच्च पंचायत में रहने के बाद अब पंचायत चुनाव में ताल ठोकने की क्या वजह है। सर, न्यूज़ ऑन इंडिया पर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। और आप देश की सर्वोच्च पंचायत में रह चुके हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जो आपने सर्वोच्च पंचायत की बात की जिसका असर लोकसभा से है, तो उस चुनाव में भी हमने सफ़र किया था। अभी जो पीछे चुनाव हुआ उस चुनाव में जैसा पता है भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे देश में थी और समाजवादी पार्टी के 5 सांसद ही चुनाव जीत पाए थे। उसमें फिर उसके बाद 6वीं जो कड़ी थी ये बाराबंकी में 437,000 वोट मुझे प्राप्त हुए थे और एक तरीके से दूसरे नंबर पे थे और चुनाव हार गए। और अब एक ये बात है कि आप ये पंचायत चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये देश जो है वो गाँव का है, कुछ देश शहरों के देश होते हैं, लेकिन आपका जो भारत देश है वो है गाँव का देश। और गाँव में मजदूर, किसान और सब तरह की आबादी रहती है,
इन्हीं की सेवा के लिए पंचायतें गठित हैं, वो गांव की पंचायत, ब्लॉक की पंचायत, जिले की पंचायत और फिर प्रदेश की पंचायत और देश की पंचायत। और कॉमन बेस जो है, जितनी पंचायतें हैं जो अपना संविधान है उसके उसमें रह करके हर आदमी को जन सेवा करने का पर्याप्त क्षेत्र है। और इधर हम दो चार दिन जो है गांव में गए हैं, हमने काम तो बहुत कराया लंबे पीरियड राजनीति में, लेकिन अब भी देखते हैं कि बहुत कुछ अधूरा है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो एक जिक्र आपने किया कि बहुत उम्र है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि आदमी को जब तक रहे तब तक जो है गांव का विकास और जनता की सेवा करते रहना चाहिए।